नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का 12th लेक्चर है। ठीक है भाई, ये इस चैप्टर का 12th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट की विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, जिनमें से हमने लगभग 13 के समथिंग क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम जो भी आपके क्वेश्चन रह गए थे विविध प्रश्नावली के, उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो जिनमें से एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि जो वैन आरेख दिया गया है उसका छायांकित क्षेत्र को क्या निरूपित करता है। मतलब ये जो वैन आरेख है, इस वैन आरेख का ये छायांकित क्षेत्र क्या निरूपित कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और चौथा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन की ओर देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फाइंड आउट करता है। तो देखो ये ए है, ये बी है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इंटरसेक्शन अगेन किसके साथ निकालो, इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन निकालो इस सेट सी के साथ। तो इस सेट सी के साथ कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट होगा इसका। ठीक है, ये पार्ट होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि हमें तो किसका निकालना है, हमें तो इस पार्ट का निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पार्ट का निकालना है, ये कौन सा सेट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन की ओर चलो। फर्स्ट तो आपने आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो। सेकंड में करना क्या है, ए सेट ए का साथ यूनियन लो सेट बी के साथ, और फिर उसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, उसका इंटरसेक्शन लेना है आपको सेट सी के साथ। ठीक है, तो देखो सेट ए और सेट बी के बी का यूनियन लो, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सेट आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेकर ये छायांकित भाग आ जाएगा, और फिर इस छायांकित भाग का करना क्या है, सेट सी के साथ इंटरसेक्शन। तो सेट सी के साथ इंटरसेक्शन ये हो गया। ठीक है, सेट सी के साथ इंटरसेक्शन ये हो गया। जबकि आपको किसका फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला भाग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन पे आओ। थर्ड ऑप्शन में करना क्या, आपको दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेना है और फिर यूनियन लेना है आपको सेट सी के साथ। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करो, ये पार्ट आ गया दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सेट सी के साथ यूनियन लेना है। तो फिर इसका सेट सी के साथ यूनियन लो, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो फाइंड आउट ये करना है, जबकि आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया है। कहने मतलब है इस वाले ऑप्शन के अंदर ये भाग भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा सही है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्वयं करना है। 16 में देखो, 16 में करना क्या है, 16 में आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको टोटल पार्ट दिए गए हैं 7। तो 8 पार्ट दिए गए टोटल, 8 पार्ट है ना। 8 पार्ट में आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कलेक्शन है वो क्या है सेट, मतलब कौन कौन से संग्रह है यहाँ पर समुच्चय बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि समुच्चय बन रहे या नहीं बन रहे। लेकिन आपको मैंने बताया था समुच्चय होता क्या है, कि वस्तुओं का एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह या वस्तुओं का वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। जहाँ पे सुपरिभाषित वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था, सुपरिभाषित वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वस्तुओं के चयन का नियम इतना सरल और इतना अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि आप यह कह सको कि ये वस्तु संग्रह में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आपको उस डेफिनेशन में यूज करना और बताना है कि इनमें से कौन कौन से संग्रह समुच्चय है या नहीं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो 8 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय
समूह बनाओ आप, ठीक है। समूह बनाइए आप 8 से कम प्राकृत संख्या, कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये क्या है, 8 से कम प्राकृत संख्या है। अब आप ये कह सकते हो कि 8 से कम प्राकृत संख्याएं जो भी हैं वो क्या सभी इसमें, वो सभी के सभी के इसमें हैं, हैं इसमें सभी। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ये एलिमेंट इसके अंदर होगा या नहीं होगा। 8 से कम जितनी प्राकृत संख्याएं हैं अगर उनकी मैं एक एक की बात करूं तो आपको चेक करना है कि उनमें से प्रत्येक एलिमेंट क्या इस संग्रह में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो आप अगर चेक करते हो तो प्रत्येक एलिमेंट इस संग्रह में है। कहने का मतलब है ये जो संग्रह है ये क्या बन रहा है, समुच्चय बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है भारत के बड़े नगरों का संग्रह, ठीक है। सेकंड आता है आपका भारत के बड़े नगरों का संग्रह। आप देखो आपसे सिर्फ ये बोला है कि भारत के बड़े नगरों का संग्रह बनाइए। अब आपको ये नहीं बताया कि किस दृष्टिकोण में आपको चेक करना है कि कौन सा नगर बड़ा है, कि आपको नहीं बताया। हो सकता है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो सकता है वो जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा हो सकता है वहाँ के संसाधनों की वजह से बड़ा हो, और भी कई रीजन है कि वहाँ के मतलब है, ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो भी देखने लायक स्थल है मतलब पर्यटक स्थल है उसके अकॉर्डिंग बड़ा हो, ठीक है। तो या फिर वहाँ के जंगलों के अकॉर्डिंग बड़ा हो, या फिर ये कह सकते हो कि वहाँ पे जितनी भी क्या नाम से उपजाऊ जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है उसके योग से भी बताओ। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मतलब आप किसी एक फिक्स आधार पर नहीं कर सकते कि ये यहाँ पे बड़ा नगर होगा। हो सकता है कोई भी नगर है वो एक नगर तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, ठीक है। तो आप दोनों को थोड़ी ले सकते हो, आपको बड़े नगरों का संग्रह करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया आपको कि यहाँ पे किस आधार पर संग्रह करना है। मान लो आपसे कह दिया कि आप जनसंख्या के आधार पर करो, तो तब आप किसके आधार पर करोगे, जनसंख्या के ही आधार पर। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया, आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि आपको किस अकॉर्डिंग संग्रह बनाना है, ठीक है। तो ये जितना ये जो आपका संग्रह है ये समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है। ये समुच्चय नहीं बने, मतलब आप एक ऐसा नियम नहीं बता पा रहे कि जिसके द्वारा ये कहा जा सके कि ये अवयव इस समुच्चय में होगा या नहीं होगा, या फिर ये अवयव इस संग्रह में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो थर्ड आता है विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, ठीक है। थर्ड आता है विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, ठीक है। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, ठीक है, यह आपको बताना है। अब देखो आपको संग्रह बनाना है जिसमें क्या होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति होनी चाहिए। लेकिन आपने संग्रह बनाया लेकिन आपने देखा कि ज्यामितीय आकृति की सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे आपने सर्कल ले लिया, ठीक है, और आपने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि दोनों के क्षेत्रफल ही बराबर है, ठीक है। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इसके गुणधर्म के बराबर है, पर इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है। इसमें इसके अंदर आप क्या निकालते हो, परिमाप निकालते हो, परिमाप के लिए आपको क्या निकालने पड़ते हैं, इसमें परिधि निकालनी पड़ती है, और जबकि इसमें चौड़ा हो जाओगे लंबाई निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये नहीं बताया गया कि आपको ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह किस आधार पर करना है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा नियम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप ये कह सको ये ज्यामितीय आकृति हमारे संग्रह में होगी या फिर नहीं होगी। हो सकता है आप संग्रह बना रहे हो लेकिन आप किसके अकॉर्डिंग बना रहे हो, आप बना रहे हो क्या नाम से उनके परिमाप के आधार पर, लेकिन वो परिमाप की वजह नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग, आयतन के आधार पर पूछ रहा हो, या फिर आप क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा हो। वो सामने वाला जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी हो सकता है। तो आपको कोई नियम ऐसे स्पष्ट नहीं दिया गया इसकी जिसके द्वारा मैं कह सकूँ यह इसके यह अवयव इस संग्रह में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये संग्रह की समूह नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है संख्या 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है। संख्या 46 को
विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है। आप देखो संख्या 46 को कौन कौन विभाजित करते हैं, आपको पता है संख्या 46 को विभाजित करने वाली पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है जीरो से, ठीक है, लेकिन आपको पता है जीरो विभाजित नहीं करते, तो जो जो भी संख्या विभाजित करेंगे आप उनको समुच्चय बना सकते हो, यानी मतलब समूह बना सकते हो, और वो समूह में आप ये कह सकते हो कि ये अवयव इस समुच्चय के अंदर होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये संग्रह समुच्चय है। इसी प्रकार पांचवा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है, 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है, 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों का संग्रह, ये आपको बताना है कि क्या ये जो संग्रह समुच्चय है या नहीं, ठीक है। देखो इसमें आप संग्रह इस आधार पर बना सकते हो कि जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए उस आधार पे आप संग्रह बना सकते हो, या जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए उस आधार पर संग्रह बना सकते हो, या जो सबसे कम जिसका सबसे ज़्यादा औसत है उसके आधार पर बना सकते हो, या जो सबसे कम बार आउट हुआ है उसके आधार बना सकते हो, या जिसने सबसे कम मैच खेले हैं उसके आधार बना सकते हो, जिसने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं उस आधार पर बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास समुच्चय बनाने के बहुत सारे आधार हैं, लेकिन मतलब बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर नियम नहीं दे रखा कि आप उसके द्वारा यह कह सको ये बल्लेबाज इस संग्रह में शामिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको यह नहीं बताया, स्पष्ट नहीं किया है इसके अंदर कि ये बल्लेबाज इस संग्रह में होगा या नहीं होगा, तो ये जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार छठे पार्ट के अंदर, जब छठे पार्ट के अंदर दिया गया है सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो आप बता सकते हो कौन सी सम है कौन सी विषम पूर्णांक, ठीक है, तो ये संग्रह क्या है, ये संग्रह समुच्चय है। तो इसके बाद आता है कि कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का संग्रह, कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का संग्रह, ठीक है, तो कालिदास के द्वारा आपको पता है कौन कौन से संग्रह संग्रह रचित हुए थे, ठीक है, कालिदास के द्वारा मेघदूतम है, रघुवंश नाथम, जो भी है जितने भी संग्रह हैं उन सबके बारे में आप बता सकते हो। तो ये जो सेवंथ है कि कवि कालिदास के द्वारा रचित संग्रहों का रचित काव्यों का संग्रह, ये काव्यों का संग्रह क्या है, ये समय समुच्चय है। और लास्ट आती है भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह, तो ये जो संग्रह है ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि किसी का क्या नाम से जो योगदान था वो धार्मिक क्षेत्र में था, किसी का सामाजिक क्षेत्र में था, किसी का आर्थिक क्षेत्र में था, किसी का क्रांति के क्षेत्र में योगदान था, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि किसका योगदान ज़्यादा था, किसका कम, और किसके आधार पर भी नहीं बता सकते कि ये क्या नाम से महापुरुष है, ठीक है। तो ये जो संग्रह है ये संग्रह समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट में देखो आपको करना क्या है, समुच्चय का रोस्टर रूप लिखना है, नियम रूप दिया गया है और आपको समुच्चय का लिखना है, रोस्टर रूप लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको देखो क्या दिया गया है, सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट के तौर पे कौन है, एक्स, और वो एक्स क्या है, प्राकृत संख्या, और कहां से कहां तक की प्राकृत संख्या है, 2 के बराबर है, 9 के बराबर है, और 2 और 9 के बीच में, ठीक है, कहने मतलब आपको नियम रूप में दिया गया है समुच्चय को किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपको आपको इसके अकॉर्डिंग पता चल ही रहा होगा कि इस समुच्चय में कौन कौन से प्राकृत संख्याएं होंगी, जो 2 के बराबर होंगी, 9 के बराबर होंगी, दोनों के बीच के होंगे, तो आप बता सकते कौन कौन सी संख्या आएंगे समुच्चय में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं ये किसके अंदर आएंगे, समुच्चय के अंदर आएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट में दिया गया है एक समुच्चय बी जिसमें एलिमेंट है एक्स, और एक्स क्या है,
दो अंकों की प्राकृत संख्या, x क्या है दो अंकों की प्राकृत संख्या, दो अंकों की प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना हो, जिसके अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 60 हो। ठीक है भाई, कितना हो 60 हो। ठीक है, तो बताइए दो अंकों की प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। एक तो ये अगर आप बात करते हो तो आप 0 और 6 का संकलन कितना आ रहा है 60। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करते हो तो ये क्या है, ये दो अंक की संख्या नहीं है, ये कितने अंक की संख्या है, ये एक अंक की संख्या है। ठीक है, तो इसको आप संग्रह में शामिल नहीं करोगे। अब ऐसी संख्या देखो जिनका अंकों का योग 4 है, तो पहली कौन सी है 15, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 51 और फिर उसके बाद 60। हाँ, ये दो अंकों की संख्या है, तो इसका रोस्टर रूट ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार पार्ट सी में आओ, थर्ड में आओ, पार्ट थर्ड के अंदर आपको समुच्चय दिएगा सी। सी में क्या है, आपको क्या बताना है, समुच्चय सी में आपको उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है जो कि क्या है, एक्स मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय। ठीक है, एक्स क्या है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। ठीक है, एक्स क्या है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। ठीक है, तो ये समुच्चय बनाना है। इस समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संख्या होंगी आप बता सकते हो, कौन कौन से होंगे, एम होगी, ए होगी, टी होगी, एच होगी, ई होगी, एम आ चुका, ए आ चुका, टी आ चुका, आई होगा, सी होगा, है एस होगा। ठीक है, तो इसको आप पोस्टर रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ में है कि आपको एक सेट दिया गया है डी, डी के अंदर वे सारी संख्या एक्स हैं जो कि क्या है, जो कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, जो कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या। तो आप बता सकते हैं 50 से छोटी सब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30, 32, 33, 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
से छोटी अपाच्य संख्या, ठीक है। तो आप इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हो, और इसका रोस्टर रूप हो जाएगा क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 32, 37, 41, 43, 47, ठीक है। तो ये 50 से छोटी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 18 को आप स्वयं कर लेना, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप स्वयं कर सकते हो, 20 भी मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, 21 में देखो आपको दिया गया है एक सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको एक सेट दिया गया है, एक जो कि कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। और क्या फाइंड आउट करना है, ये बताना है इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले देखो सेट ए कैसा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने अवयव होते हैं, जीरो, ठीक है। कितने अवयव हैं इसके अंदर, इसके अंदर अवयव हैं जीरो, ठीक है। अब इसके अंदर जीरो है तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, ठीक है। यानी मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 1। और इसका पावर सेट अगर बनाते हो तो पावर सेट बना के देख लो, उसमें चेक कर लो पावर सेट में कौन आएगा, ये सेट स्टॉम ही आएगा, ठीक है। कि प्रत्येक सेट क्या होता है, स्टॉम का सबसेट। और पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के सबसेट्स का समुच्चय, ठीक है। इसमें ये खुद आएगा और ये एक ही एलिमेंट है, तो मतलब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल 1, ठीक है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में करना क्या है, समुच्चय को अंतराल रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय को अंतराल रूप में लिखिए, ठीक है। समुच्चय को अंतराल रूप में लिखिए, तो देखो किस प्रकार से लिखना अंतराल रूप में। पहला पार्ट दिया गया आपको क्या, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट दिया गया है एक्स
such that x belongs to R, comma C less than x less than equal to 5. थर्ड है x such that x belongs to R, comma 0 less than x less than 8. ठीक है. और फोर्थ है x such that x belongs to R, comma minus 1 less than equal to x less than equal to 5. ठीक है. मतलब जितने भी समुच्चय दिए गए हैं किस रूप में लिखना है, आपको अंतराल के रूप में लिखना है. ठीक है. तो देखो जब भी आपको सिरे बिंदु दिए गए हों तो हमेशा कौन सा समुच्चय बनेगा, समवृत्त समुच्चय बनेगा. जब दोनों सिरे बिंदु दिए गए तो हमेशा कौन सा समुच्चय बनेगा, समवृत्त. और जब दोनों सिरे बिंदु नहीं दिए गए तो हमेशा कौन सा समुच्चय बनेगा, दीर्घवृत्त. आप इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हो तो इसके दोनों सिरे बिंदु क्या है, शामिल नहीं है समुच्चय में. डेट मीन से कौन सा इंटरवल बनेगा, ये बनेगा ओपन इंटरवल. ठीक है. और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये बनेगा ए से लेकर बी तक ओपन इंटरवल. ठीक है. अब इसी प्रकार सेकेंड पार्ट ही, सेकेंड के अंदर आप देखते हो तो इस समुच्चय के अंदर इसमें दायां सिरा बिंदु तो शामिल है लेकिन बायां सिरा बिंदु शामिल नहीं है. तो ये कौन सा समुच्चय बनाएगा, जिसमें दायां सिरा बिंदु शामिल हो वो हमेशा बनता है अर्धसमवृत्त अंतराल. और अर्धसमवृत्त अंतराल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसमें संख्या कहाँ से कहाँ होंगे, अगर इस समुच्चय को अंतराल रूप में लिखे तो 3 से लेके 5 तक, क्योंकि पाँच जो सिरा बिंदु 5 है वो तो शामिल अंतराल में, लेकिन जो 3 है सिरा बिंदु वो शामिल नहीं है. इसी प्रकार जिस अंतराल के अंदर दायां सिरा बिंदु शामिल नहीं हो लेकिन बायां सिरा बिंदु हो तो वो अंतराल कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है अर्धतीव्रत अंतराल. ठीक है. अर्धविवद अंतराल कहलाता है. और इस अर्धविवद अंतराल को किस प्रकार से व्यक्त करते हो, इसको व्यक्त करते हो इस संकेत से. ठीक है. और इस संकेत से व्यक्त करते हो तो आप इस अंतराल को इस समुच्चय को अंतराल रूप में लिख सकते हो. अंतराल रूप में कैसे लिखोगे, 0, 1. ठीक है. और इसी प्रकार इसको तो आपको पता ही कौन सा, दोनों सिरे बिंदु हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हो, समवृत्त अंतराल. और समवृत्त अंतराल में संख्या कहाँ से कहाँ होंगी, -1 से 5 तक. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता हो. ठीक है. उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 देखो. उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए. ठीक है. निम्नलिखित अंतराल को, निम्नलिखित अंतराल को, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए. ठीक है. किस रूप में लिखना है, प्रत्येक अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है. ठीक है. तो देखिए पहला पार्ट है इसका सेम, पहला है विवृत अंतराल 2 से 5. ठीक है. पहला कौन सा है, विवृत अंतराल 2 से 5. दूसरा है अर्धविवृत अंतराल 0 से 7. तीसरा है समवृत्त अंतराल 2 से 10. और चौथा है अर्धसमवृत्त अंतराल -5 से 0. ठीक है. अभी हमें किस रूप में लिखना है, आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में. समुच्चय निर्माण रूप में आप क्या करते हो, समुच्चय निर्माण रूप में आप एलिमेंट उन एलिमेंट का कलेक्शन करते हो जो कि क्या नाम से, जिनको आप ये बताते हो नियम के रूप में लिख सको. ठीक है. आपको समुच्चय निर्माण रूप में करना क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में आपको समुच्चय के अवयवों को एक नियम के द्वारा लिखना होता है. ठीक है. तो आप यहाँ इस अंतराल को नियम के रूप में कैसे लिख सकते हो कि उन एलिमेंट एक्स का कलेक्शन जो कि क्या है, जो कि रियल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, जो कि 2 से लेकर 5 तक है, जिसमें 2 और 5 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अंतराल है, विवृत अंतराल है, तो इसमें सिरे बिंदु शामिल नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया. ठीक है. इसी प्रकार इस अंतराल को लिखो समुच्चय निर्माण रूप में, तो उन अवयव एक्स का समुच्चय जो कि वास्तविक संख्या है और साथ ही साथ कहाँ से कहाँ तक है, जो कि 0 से लेकर 7 तक है, जिसमें 0 भी शामिल है. ठीक है. जिसमें 0 क्या है, शामिल है. इसी प्रकार इसके अंतराल को लिखो, इस अंतराल कैसा है, समवृत्त अंतराल, तो समवृत्त में दोनों सिरे शामिल होंगे, इसको किस प्रकार से लिखोगे कि उन अवयवों एक्स का समुच्चय जो कि क्या है, वास्तविक संख्या है और साथ ही साथ कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर
दस के बीच की सभी संख्याएं हैं और दो और दस भी शामिल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका समोच्चन मान, रूप से अंतराल का। अब इस अंतराल का आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली इस अंतराल का भी समोच्चन मान रूप लिख सकते हो कि x such that x belongs to r, -5 less than x less than equal to 0, ठीक है। तो ये इस अंतराल का समोच्चन मान रूप हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, लास्ट आपका क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। बाकी जो दो तीन क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के लास्ट के वो खुद आप छोड़ कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने बता दिया है उनका एक 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 दो एग्जाम्पल मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस चैप्टर का लास्ट, और इसमें आपको दो साइड दिए गए ए और बी, ठीक है। ए में क्या है, ए में आपको दिया गया है कि वे संख्याएं एक्स जो कि क्या है प्राकृत संख्याएं, और कहाँ से कहाँ तक है जो कि 2 से लेकर 9 तक का संख्याएं है, जो क्या है 2 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याएं। और सेट बी में क्या है, सेट बी में वे संख्याएं एक्स है जहां जहां एक्स क्या है 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, एक्स क्या है 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है, जिनके अंकों का योगफल कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। जिनके अंकों का योगफल कितना आएगा 1 हो, ठीक है भाई, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो समुच्चय देंगे, इसमें ए सेट ए में तो वे प्राकृत संख्या लेंगे जो 2 से 9 के बीच में हो और उनके बराबर हो, और सेट बी में वे 2 अंक की संख्या लेनी है प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इन दोनों समुच्चयों को आप किस रूप में लिखो, इसको इनको नियम रूप से आप किस में चेंज करोगे, सबसे पहले चेंज करोगे रोस्टर रूप में, ठीक है। तो रोस्टर रूप में सेट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। समुच्चय बी में कौन कौन संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्या बताओ जिनके अंकों का योगफल कितना हो 8 आ रहा हो। तो पहली कौन सी 17, दूसरी 26, तीसरी कौन सी 35, चौथी क्या है 44 और पांचवी है 53, फिर आता है 62 और फिर आता है 71 और एक और आती है कौन सी 8 हो गई मतलब 80, ठीक है। तो ये समुच्चय बी का क्या है, समुच्चय बी का रोस्टर रूप है। अगर आप 0, 8 लिखते हो तो एक अंक की बनेगी संख्या ना कि 2 अंक की, 0, 8 शामिल नहीं होगी, 8 0 शामिल हो सकती है, 80 शामिल हो सकता है लेकिन 8 शामिल नहीं हो सकता। कहीं आप सोचो कि 8 को आप हमेशा लिख सकते हैं 0, 8 लिखोगे ऐसा 8 को, तो यहाँ पे ये एक अंक की ही संख्या है ना कि 2 अंक की, ठीक है। तो आपको कौन सी शामिल करनी है प्राकृत संख्या है जो कि क्या हो 2 अंक की हो। अब आपको समुच्चय पता चल गए, अब इन समुच्चय के आधार पर आपको क्या फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, दूसरा फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा फाइंड आउट करना है ए माइनस बी और चौथा फाइंड आउट करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये 4 पार्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो चारों पार्ट कैसे फाइंड आउट करना, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, बी एलिमेंट जो कि समुच्चय ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप एक चीज देखिए, जब भी आप दोनों सेटों के अगर बात करते हैं तो दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस सेट में सभी 1 अंक की प्राकृत संख्या है जबकि इस सेट में सभी 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, कहने का मतलब है इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के अंदर तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को जोड़ दो, ठीक है, एक साथ देखो। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 26 फिर आ जाए 35, 44, 53, 62, 71 और 83, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेक्शन बी में को क्या आ जाएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 5, ठीक है। फिर ए मंथ बी क्या आ जाएगा, ए मंथ बी के अंदर आप उन संख्याओं का कलेक्शन करोगे जो कि समुच्चय ए के बी आ गए जो कि बी में ना हो, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए, ठीक है। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इस समुच्चय की कोई सी भी सेंटेंस के अंदर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी का भी आपको पता है क्या आया था, ए माइनस बी आया था ए।
अब बी मंथ ए ज्ञात करते हैं, तो बी मंथ ए के अंदर वे संख्याएं आएंगे समुच्चय बी की जो कि किसके अंदर ना हो, ए के अंदर ना हो। तो इस सेट की कोई सी भी संख्या ए के अंदर नहीं है तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, बी ए माइनस बी ए हो जाएगा, बी माइनस ए बी हो जाएगा, और बीच में क्या है यूनियन का चिन्ह, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो भी आपके क्वेश्चन तक चाहिए वो खुद कर लेना, और अगर कुछ एग्जाम्पल्स मिस हो गए हमारे तो वो भी कुछ सेल्फ कर लेना। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं कराए जा सकते, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता हुआ, साथ साथ इस लेक्चर का भी एंड यहीं पर होता हुआ। धन्यवाद।